आज हम बात करेंगे हरियाणा में स्थापित गांधी संग्रहालय की। हम आपको बताएंगे हरियाणा के किस जिला में है गांधी संग्रहालय, किसने बनवाया और कब बनवाया और क्यों बनवाया, और साथ ही हम आपको बताएंगे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं इससे। चलो स्टार्ट करते हैं। ये तस्वीर है गांधी संग्रहालय की, आप लोग देख सकते हो। आगे ये पलवल जिला है, जिसके पड़ोसी जिला हैं गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह। चलो स्टार्ट करते हैं। हम आपको बता दें हरियाणा के पलवल जिला में स्थापित है गांधी संग्रहालय। गांधी संग्रहालय पलवल रेलवे स्टेशन के नज़दीक है। रोलेट एक्ट के खिलाफ पंजाब जाते हुए महात्मा गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन पर 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार किया गया था। ये लगातार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। गांधी जी को पलवल रेलवे स्टेशन से कब गिरफ्तार किया गया था? आंसर 10 अप्रैल 1919 को। हम आपको बता दें उनकी इस याद को चिरस्थायी रखते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 2 अक्टूबर 1938 को इसकी नींव रखी। गांधी सेवा आश्रम में वर्ष 1962 में गांधी प्रदर्शनी को स्थापित किया गया है। इसके साथ ही उसमें गांधी जी से संबंधित इतिहास को संजोया गया। प्रदर्शनी के लिए चित्र दिल्ली के गांधी संग्रहालय से लाए गए। बाद में ये खराब होने लगे तो इनका नवीनीकरण कराया गया तथा प्रदर्शनी स्थल बदलकर संग्रहालय में कर दिया गया। अब हम आपको बताएंगे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। गांधी संग्रहालय की स्थापना किसने की? आंसर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी संग्रहालय की स्थापना कब की? आंसर 1938 में। गांधी संग्रहालय की स्थापना क्यों की गई? रोलेट एक्ट के द्वारा महात्मा गांधी जी गिरफ्तार हुए थे, उनकी याद को चिरस्थायी रखने के लिए गांधी संग्रहालय की घोषणा की थी। हमारी सेशन में इतना ही। थैंक यू।